हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में आकलन 10 हल करेंगे। पेज नंबर 79 पर पहला सवाल है, 9,91,003 को अंकों में लिखा जाता है। 9,91,003। अगला है दूसरा, संख्या 2,57,601 में लाख एवं सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या बनने वाली संख्या। देखो लाख कहाँ है, ये है, और सैकड़ा ये वाला, तो इनको बदलेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 6,57,201 ये बनेगी। अनुचित भिन्न 22/7 की मिश्रित भिन्न है, तो 7 * 21 एक बच गया, नीचे 7, 3 * 1/7। अगला 4 का 1 * 1/2 की तुल्य भिन्न है। देखो 2 * 1 = 2 और 1 * 3 * 3/2 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी, 3 * 12 और 3 * 12 और 4 * 2 = 8 ये होगी। निम्न लिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच में ये निशान लगाइए। देखो 3 * 2 = 6 और 1 * 7/3, 4 * 3 = 12 और 1 * 13/3। अब देखो इनमें हर सेम है, तो इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी होगी। दूसरा है 5 * 10 और 1 * 11/2 और 11/2 बराबर। फिर है 6 * 18 और 2 * 20/3, 5 * 15 और 2 * 17/3। अब देखो हर सेम है तो ये अंश बड़ा है तो ये बड़ी होगी। फिर है 7 * 14 और 2 * 16/7 और 7 * 21 और 2 * 23/7। अब हर देखो सेम है, इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी होगी। अगला सवाल है छठवा, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। नहीं, अंश बड़ा होता है इसलिए वो अनुचित होती है। दूसरा है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न को मिश्रित रूप में लिखा जा सकता है, ये सही है। अगला है एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। हाँ ऋणात्मक ही होगा। देखो जैसे एक धनात्मक है 5 और एक ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -2 है, इनका गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो 5 * 2 = 10, -10 आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा इनका गुणनफल हमेशा। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। नहीं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है, बाकी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल, देखो -7 को -5 में जोड़ेंगे तो माइनस के क्या आ जाएंगे, 12, धनात्मक नहीं होना तो ये असत्य है। अगला है 7 का, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। 5,07,060, 5,07,060 ये हो गया, 5,07,060। इनका विस्तारित रूप भी लिखना है तो 5 लाख प्लस देखो 7,000 प्लस 60। अगला है 1,01,001, 1,01,001 इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, 1 लाख प्लस 1,000 प्लस 1, इसमें दाई भी नहीं है, सैकड़ा भी नहीं है और 10,000 भी नहीं है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखो आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 9,087, फिर है 65,281, 65,281, फिर इससे बड़ी है देखो 1,07,321, फिर इससे बड़ी है 60,800, 6,08,00।
अगला है, इनको आरोही क्रम में लिखना। देखो 15002, तो 15002, फिर 3 लाख, एक बार पहले वैसे लिख रही हूँ मैं आरोही क्रम में, बाद में लिखेंगे 3,02,000। फिर दूसरा 8,713, 8,713, फिर है 5,005। अब इनको आरोही क्रम में लिखेंगे हम, आरोही क्रम में यहाँ लिखेंगे। देखो 5,005, फिर है 8,713, फिर है 15,002, और सबसे बड़ी है 3,02,000। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी के कार्य पत्रकों के हेल्थ से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।